Okay, finally we reach up to the last topic of our chapter, that is disorders of the respiratory system. The first one is the most important, and the one which is killing the most of the persons is smoking. You know that cigarette smoking is one of the killers in our environment, chahe wo west ho ya east ho, Pakistan ke ilawa duniya bhar mein bhi smoking jo hai wo puri duniya ko bahut tezi ke sath khatam kar raha hai. Aur isme jo main or most important killing factors hai, that is that nicotine, tar and carbon monoxide. Nicotine ek aisa addictive yani nashai element hai ke zahir si baat hai ke wo brain mein brain tissues ko damage karti hai, aur jab insaan iska aadi hone lagta hai to phir iske baghair guzara hi nahi ho sakta. Tar aista 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 lungs mein डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से तार लंग जो है वो ब्लैक हो जाता है. एंड थर्डली कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ख़तरनाक किस्म की गैस है, जो आपको पता है ना, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करती है, और पूरी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो की वजह से जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई होती है. हीमोग्लोबिन का जो सबसे ज़्यादा क्या कहना चाहिए इफेक्शन है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ बहुत ज़्यादा है. तो यानी बजाय इसके कि ऑक्सीजन को वो कैरी करे हीमोग्लोबिन, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच रहती है पूरी बॉडी में. ये ख़तरनाक गैस, पॉइजनस गैस जो है वो लिबरेट कर देती है या हर जगह स्प्रेड कर देती है, जो कि वेरी किलिंग एंड थ्रिलिंग है, बहुत ख़राब चीज़ है ये बिल्कुल. इसके अंदर स्मोक्स सिगरेट के अंदर वो सारी ख़राब और हार्मफुल चीज़ें हैं जो कि लंग्स को या लंग की डिजीज़ को प्रोड्यूस करने का मेन सबब, साथ साथ हार्ट अटैक्स या हार्ट फेलियर का भी बाइस बनते हैं. देन द ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस दोनों तरह से हो सकता है, या तो ये स्मोकिंग करने वालों में भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है कि ब्रोंकाई, अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो ट्रैकिया ओपन हो रहा है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई फाइनली ओपन होते हैं किसमें, लंग्स में. अगर अच्छा जहाँ पर टिस लव आता है ना, टिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. ब्रोंकाई जो हैं अगर उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए और कोई इन्फ्लेमेशन सूजन सी आ जाए, किस वजह से, या तो बाज़ाका जो है वो स्मोक या फिर डस्ट, उसके टाइनी पार्टिकल जो है वो आहिस्ता 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 ब्रोंकाई या ट्राइकिया पे क्या होना शुरू हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, उसमें जमना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का जो म्यूकस है, आपको पता है बॉडी जो है वो अगेंस्ट में जाहिर सी बात है इन रिटर्न वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती है, स्प्यूटम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो पोषण जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, और डस्ट पार्टिकल्स का बहुत ज़्यादा बॉडी से रिमूव होना मुश्किल हो जाता है. वैसे क्या होती है, कफिंग बहुत अच्छी होती है, कफिंग जो है वो हमारे बॉडी के डस्ट पार्टिकल्स को या बैक्टीरिया वगैरह को एक एक झटके में बहुत ज़्यादा निकाल देती है. यानी स्नीजिंग और कफिंग जो है डेफिनेटली एक तरह का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, फंगस और वायरस जो है या डस्ट पार्टिकल्स रिमूव होते हैं. लेकिन इतना ज़्यादा म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है इस ब्रोंकाइटिस की वजह से कि सही से सीलिया जो है वो जर्म्स को एक्सपेल आउट कर नहीं पाते, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है. ब्रोंकाइटिस की खैर मेडिसिन अवेलेबल होती है, लेकिन आमतौर से ऐसे लोग सर्दियों में या जब बहुत ज़्यादा स्मोकी एरिया के अंदर वो एंटर हो जाते हैं जहाँ धुआं या डस्ट पार्टिकल्स हो, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी इसका शिकार हो जाते हैं. देन द थर्ड वन इज़ अ ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं. किसी ज़माने में ये नाकाबिल इलाज मर्ज हुआ करता था, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके नतीजे में मरे भी हैं, लेकिन अब ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक, और इसको किस तरह से डिटेक्ट किया जा सकता है, इसकी एक्सरेज होती हैं, और साथ साथ जो है असल में ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक जरासीम है, जो कि अक्सर पहले जो है वो दूध का बहुत ज़्यादा उसकी वजह से दूध से वो फैलता था. दूध जो है अगर उसको प्रॉपर्ली बॉयल ना किया जाए तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो जर्म्स हैं वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाते थे, और इसमें लंग्स जो हैं वो उसमें एब्सेस हो जाता था. इस तरह का इतना ज़बर बहुत एब्सेस का मतलब आप कह सकते हैं कि होल्स और इन्फेक्शन, और बहुत बुरी तरह से इतने ज़्यादा बाज़ों का सीवियर हो जाता था कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी, यानी खांसने के साथ साथ बलगम के साथ ब्लड आना शुरू हो जाता था उस एब्सेस और लंग्स में. एब्सेस बाकायदा नज़र आता था, जब एक्सरे किया जाता था तो एक होल सा नज़र आता था कि इतने पोर्शन में एब्सेस हो गया है लंग्स पोर्शन में. बट बाय द टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक क्योरेबल डिजीज़ हो गई है, यानी 7-8 महीने का एक प्रोलॉन्ग इलाज ज़रूर होता है, लेकिन ये तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सबसाइड हो जाती है. ऐसी नहीं है कि इंसान मर जाए, लेकिन फिर भी ये भी एक ख़तरनाक बीमारी है, और ख़ास तौर से जो स्मोकर्स हैं उनके अंदर ये इनका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है.
देन द लास्ट वन इज़ अ लंग कैंसर. लंग कैंसर भी ज़्यादातर स्मोकर्स में, और या फिर ये है कि डस्ट एरिया या बहुत ज़्यादा जिनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रह रहा हो, तो वो ऐसा ऐसा लंग्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो रैंडमली या बहुत मैडली मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत डिफ़िकल्टी होने लगती है. सेल्स बढ़ जाते हैं लेकिन ऑक्सीजन की जो पैसेज होता है वो उनके अंदर बहुत कम हो जाता है. ऑक्सीजन अगर एंटर नहीं हो पाएगी सही तरह से तो वो पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई भी नहीं हो पाएगी, और लाजमी बात है फिर उसको सफोकेशन फील होने लगेगी. सप्लाई नहीं हो पाएगी ऑक्सीजन पूरी बॉडी में, क्योंकि सेल्स इतने बढ़ गए हैं कि वो ऑक्सीजन को जगह ही नहीं मिल रही एंटर होने की. तो दैट इज़ ऑल अबाउट. और उसको फिर लेकिन ये है कि आजकल जो है वो कुछ सर्जरी या फिर कुछ हद तक रेडियोथेरेपी वगैरह के ज़रिए से, यानी रेडिएशन के ज़रिए से, कोशिश ये होती है कि इन लंग कैंसर को काफ़ी हद तक ना भी ख़त्म हो सके तो कोशिश ये होती है कि किसी हद तक रिड्यूस किया जा सके. फिर इसके अलावा लैरिंग्स पोर्शन जो अभी आपको बताया था बाज़ात, इसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ लैरिंजाइटिस. और नमूनिया क्या है, ये भी न्यूमोकोकल बैक्टीरिया हैं कुछ ऐसे जो कि नमूनिया कॉज करते हैं. तो ये भी लंग्स की, ये वो सारी डिजीज हैं जो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं. नमूनिया में भी बहुत, एक तो हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, चेस्ट कंजेशन हो जाता है, ऐसा लगता है सीना बिल्कुल जकड़ गया है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली बीमारी भी ऐसी है नमूनिया वगैरह के, अल्लाह का शुक्र है कि इसकी मेडिसिंस हैं अवेलेबल होती हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है तो एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल हैं. और ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा सांस में डिस्ट्रक्शन हो रही हो तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करने के लिए नेबुलाइजेशन वगैरह भी की जाती है. लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है. So that was all about today's chapter. If you still find any difficulty, you are always welcome. You can ask me. Okay, students, take care of yourself. Allah Hafiz.